इस वीडियो में हम दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट पर बात करेंगे। वास्तव में दिशा एक परिकल्पना है जो सूर्य जिधर उदय होता है उधर पूर्व मानते हैं और जिधर अस्त होता है उधर हम पश्चिम की बात करते हैं। यह इसमें जो प्रश्न आता है, व्यक्ति किसी एक निश्चित बिंदु से एक दिशा में अलग अलग दूरियां चलता है, वो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, क्लॉकवाइज मुड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है, दक्षिणावर्त मुड़ता है और अलग अलग दिशा में मुड़ता है, कहीं 45 अंश पर, कहीं 90 अंश पर दाएं बाएं मुड़ करके एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाता है। जब निश्चित बिंदु पर पहुंचता है तो अब ये पूछा जाता है कि वह प्रारंभिक स्थान से उसकी सीधी दूरी क्या है या उसका दिशा क्या है। तो दिशा के जानने के लिए सबसे पहले हम कागज पर जो दिशा बनाते हैं उसमें देखें। कागज में जो दिशा बनाते हैं ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है और दाहिने पूर्व और पश्चिम बाएं। इसी तरह से चार दिशा सौंप दिया गया है। यहां जब हम और दिशा चार और दिशा उस दिशाएं हम सौंप करते हैं, सबसे पहले उत्तर ऊपर दक्षिण नीचे पूर्व दाएं और पश्चिम, ये दो दिशाएं आप देखें उत्तर पूर्व और ये उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। इसी तरह से हम कोण पर जब घूमते हैं तो हम ये देखें शून्य अंश या 360 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश। जब इसमें और हम उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम करते हैं तो 45 अंश का विभाजन करते हैं, या 0 अंश या 360 अंश, 45 अंश, 90 अंश, 135 अंश, 180 अंश, 225 और 270 और 315 अंश। दक्षिणावर्त घूमने का तात्पर्य है दाएं और वामावर्त घूमने का तात्पर्य है बाएं। घड़ी की दिशा में जब घूमते हैं तो आप घड़ी रख लीजिए, देखिए कैसे घूमता है और इसको घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। इसमें एक और प्रमेय बहुत ज्यादा प्रयोग होता है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वास्तव में यह प्रमेय पहले ही भारत में जाना गया था और इसीलिए हम इसे बौधायन पाइथागोरस के नाम से जानते हैं। इसमें होता क्या है, समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप देखें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसका आधार AB है, लंब AC है, कर्ण BC है। इसमें कर्ण पर बना वर्ग माने BC का वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग के बराबर होता है। इसका उपयोग करके हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ प्रश्न है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा और अंत में बाईं तरफ मुड़ा, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। इसको आप देखें, व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, पहले उत्तर दक्षिण पश्चिम बना लीजिए, उत्तर ऊपर है, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, दिशा जब बन गई, अब देखें व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, पश्चिम आपका ये है, यहां से पश्चिम चल रहा है, पश्चिम चलिए, फिर वह दाएं मुड़ा, दाएं माने यहां पहुंचा है, दाएं मुड़ा, तो जब भी मुड़ेगा 90 अंश पर मुड़ेगा, आप देखें ये दाएं मुड़ा यानी उत्तर दिशा में चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ गया तो माने 90 अंश मुड़ा, तो ये देखिए अब किधर जा रहा है, ये पूर्व दिशा हो गया, यहां उत्तर था अब पूर्व दिशा में हो गया, अंत में बाईं तरफ मुड़ा, अब यहां बाईं तरफ मुड़ता है, बाईं तरफ यहां खड़ा हुआ व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ेगा, ये देखिए ऊपर की तरफ माने उत्तर की दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इसका उत्तर उत्तर होगा, इसका उत्तर ए होगा। इसी तरह का अगला सवाल देखिए, नेहा उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, पुनः दाएं मुड़ती है, अब वह किस दिशा में है। आप सबसे पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, अब चलाइए, नेहा उत्तर की ओर चल रही थी माने वो सीधे ऊपर की तरफ जा रही थी, फिर बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ने का मतलब ये देखिए इधर मुड़ गई,
यह दिशा पश्चिम की थी, यहाँ उत्तर था, यहाँ पश्चिम हो गया। फिर कहाँ मुड़ रही है, फिर दाएं मुड़ती है, अब ये इधर जा रही, फिर उत्तर चलने लगी, अब उत्तर हो गया, पुनः दाएं मुड़ती है, अब पुनः दाएं मुड़ती है माने ये फिर ये पूर्व की तरफ हो गई। अब वह किस दिशा में जा रही है, इसका मतलब ये पूर्व दिशा में जा रही है, ये आंसर। इस तरह के सवाल आप बड़े आसानी से बहुत कम समय में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बना लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तब इसके बाद सवाल हल करना शुरू करें। तो आप ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व और पश्चिम आप बनाएं। बिंदु ए से रवाना होकर मोहन पश्चिम की ओर 15 मीटर चला। मान लीजिए बिंदु ए है, यहां से मोहन पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर जा रहा है, तो पश्चिम इधर चलिए, कितनी दूरी, 15 मीटर, 15 मीटर यहां पहुंच गए। फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ करके 20 मीटर चला। यहां से बाईं तरफ जब मुड़ता है तो ये देखें आप दक्षिण की तरफ जा रहा है, और कितना, 20 मीटर जाइए, 20 मीटर दक्षिण की तरफ आ गया। फिर वह अपनी बाईं तरफ मुड़ा, अब यहां पहुंच करके यहां पहुंचा और बाईं तरफ मुड़ रहा है, यानी पुनः पूरब की तरफ वो जाने लगा, और कितना चला, 15 मीटर, यहां से वो 15 मीटर आ गया, 15 मीटर जो गया था 15 मीटर वापस आ गया, 15 मीटर चला। इसके बाद फिर वह अपनी दाईं तरफ मुड़ा, अब यहां खड़ा हुआ है और दाईं तरफ मुड़ता है, तो दाईं तरफ ऐसे मुड़ता है तो यहां आया, कितना चल रहा है दाईं तरफ मुड़कर, 12 मीटर चल रहा है, ये 12 मीटर चला। मोहन बिंदु से ए से किस दिशा में है, आप देखें बिंदु ए यहां है और दिशा दक्षिण दिशा है, ये साफ साफ है दक्षिण दिशा है, यानी इसका उत्तर डी होगा। अगर इसकी दूरी पूछी जाए कि ए से कितनी दूरी पर है, तो आप देखें यह 15 चल चुका है, लेकिन मूल बिंदु से दूरी ये सीधी ली जाएगी ए से लेकर के यहां तक, तो यह दूरी देख लें, यह 12 मीटर है और यह 20 मीटर, कुल 32 मीटर अपने मूल स्थान से अभी चला है, इस बार इसमें नहीं। आगे चलें, इस सवाल देखें, मोहन 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, वह चलने के स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर है। तो आप सबसे पहले बना लीजिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब यहां देखें 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, मान लीजिए मोहन यहां खड़ा था, अब ये 4 किलोमीटर दक्षिण माने नीचे चलता है 4 किलोमीटर, फिर क्या करता है, वह 3 किलोमीटर पूर्व चलता है, पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, वह चलने के स्थान से किस दिशा और कितनी दूर है। आप अब यहां से देखें, ये अंतिम बिंदु पर मोहन इस समय खड़ा है, तो यहां से यहां ये, तो ये दूरी देखिए आप, यह समकोण त्रिभुज बन रहा है और ये कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों का योग के बराबर होगा, यानी जो हमारा अगर मोहन ए बी सी है तो ए सी का वर्ग इसका वर्ग इन दोनों पर बने वर्गों के योग के बराबर होगा, तो ए सी का वर्ग बराबर 4 का वर्ग + 3 का वर्ग = 16 + 9 = 25, इसलिए ए सी बराबर करणी में 25 यानी 5, तो ये तो कंफर्म है 5 किलोमीटर होगा, ए सी का मान 5 किलोमीटर अपने वर्तमान से मूल की जो पहले प्रारंभिक दूरी थी वो 5 किलोमीटर है। दिशा देख लीजिए, दिशा जहां एक है यहां से दक्षिण पूर्व की दिशा है, ये दक्षिण पूर्व की दिशा 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की दिशा ये वाली है, यहां आप मिला लें दक्षिण पूर्व की दिशा हो रही है, यानी सी वाला उत्तर सही है। एक व्यक्ति, अगला सवाल है, एक व्यक्ति स्कूल से 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पुनः वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है,
अब वह स्कूल से कितनी दूरी है। तो सबसे पहले आप एक जगह निशान बना लीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब यहाँ से चलिए, 5 किलोमीटर दक्षिण जाता है, मान लीजिए यहाँ है वो, तो 5 किलोमीटर दक्षिण जाइए, 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण को 2 किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर यहाँ से और आगे बढ़िए, 2 किलोमीटर आप गए दक्षिण। पुनः वह दक्षिण को 5 किलोमीटर जाता है, फिर 5 किलोमीटर जाइए। अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, अब यहां से बाएं मुड़िए, बाएं मुड़ने का मतलब 5 किलोमीटर बाएं मुड़कर जाता है, 5 किलोमीटर से चले जाइए 5 किलोमीटर। अब वह स्कूल से कितनी दूरी है, अब स्कूल हमारा यहां था, कितनी दूरी है देखें आप, इसको सीधे से मिलाइए, यह दूरी पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा, यह पूरी दूरी हो गई 5 × 2 = 7 = 12 किलोमीटर। तो 12 का वर्ग धन 5 का वर्ग बराबर 12 में 144 धन 25 बराबर 169, करणी में 169 बराबर 13। यह 13 किलोमीटर दूर है, इसका उत्तर देखें, सी वाला उत्तर सही है, 13 किलोमीटर। अगला सवाल है, व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुकर के खड़ा है, फिर वह 45 अंश घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया, फिर वह 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, फिर 270 अंश वामावर्त मुड़ गया, वामावर्त मतलब है बाएं, अंततः वह किस दिशा की तरफ मुकर के खड़ा है। आप देखें, अगर हम इसको ग्राफ बनाएं, पश्चिम की दिशा की तरफ मुकर के खड़ा है ये व्यक्ति, तो यहां इस दिशा में मुकर के खड़ा है, 45 अंश घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है, घड़ी की सुई इधर घूमती है, 45 अंश घूमा यानी ये पहुंच गया, ये देखिए 45 डिग्री इस पर आ गया, ये 45 डिग्री हो गया, फिर वह 180 अंश घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी सुई इधर जा रही है 180 अंश, अब ये घूम रहा है तो 180 अंश जो घूमेगा माने विपरीत दिशा में जाएगा, ये देखिए 90 और 45 ये, और ये कहें मतलब ये रेखा आ जाएगी 200, ये 180 अंश पर आने का मतलब यहां आ गया, और इसका 180 अंश माने सीधी रेखा घूम जाती है, तो 45 यहां हो गया और ये 90 ये 45 ये 45 90 180 अंश, इतना घूम गया, यहां खड़ा हुआ है। अब फिर क्या होता है, फिर वह 270 वामावर्त मुड़ गया, वामावर्त मुड़ गया मतलब वो बाएं घूम गया, बाएं जब यहां से घूमेगा फिर ऐसे लौटेगा, कितना जाएगा 270, अब 270 चलिए, 45 यहां हुआ, 90 90 180 और 45, 180 और 45, दो सौ पच्चीस, अभी 270 माने 45 और चलना है, और आगे जो बच रहा है यानी 45 डिग्री इतना हो, अब ये 270 डिग्री हुआ, तो 270 डिग्री पर अभी यहां खड़ा है वो, और इसकी दिशा देख लीजिए आप किधर है, किस तरफ मुकर के खड़ा है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम की तरफ वो मुकर के खड़ा है, इसका उत्तर डी होगा। अगला सवाल देखें, दो छात्र आपस में पीठ सटाकर खड़े हैं, यदि एक छात्र का दायां हाथ पश्चिम की ओर तो दूसरे छात्र का बायां हाथ किस दिशा में होगा, यह स्पष्ट है, दोनों छात्र एक दूसरे की पीठ सटाकर खड़े हैं, तो इस छात्र का दायां हाथ इसका बायां हाथ होगा, तो कह रहे हैं कि पहले छात्र का दायां हाथ पश्चिम की ओर है तो दूसरे छात्र का बायां हाथ स्पष्ट है वो पश्चिम की ओर होगा, इसका उत्तर बी होगा।
अगला देखें, एक आदमी पश्चिम की ओर है, मुंह पश्चिम है, पहले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम निशान बनाइए, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। एक आदमी पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो आदमी मान लीजिए यहां है, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, पश्चिम की दिशा इधर है, मुंह करके खड़ा है, 45 अंश दक्षिणावर्त, तो पहले इसको आप ग्राफ बना लीजिए, 45 अंश दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त माने दाएं, यहां से दाएं घूमेगा तो 45 अंश यहां से चलिए, ये देखिए 45 अंश दाएं घूम गया, फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, यानी दक्षिणावर्त दाहिने अभी फिर जा रहा है, 180 अंश, 180 अंश माने इसके ठीक विपरीत, रेखा बढ़ा लीजिए, ये आ गया यहां, यहां से यहां तक, ये हो गया 180 अंश। फिर उसके बाद 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता है, अब वो 270 वामावर्त घूमता है, 270 घूम करके वामावर्त आता है, तो 180 यह हुआ है और 45, 180 और 45, 225 डिग्री यहां हुआ, और अभी बचा कितना है 270, तो 270 पांच, ये छह में से दो गए चार, यानी 45 डिग्री अभी और आएगा, ये यहां आया, यहां उसका मुंह किस दिशा में हुआ, यहां देखिए यह मुंह जो है दक्षिण दक्षिण पश्चिम में है, मुंह जो है उसका दक्षिण पश्चिम में है, यानी ये उत्तर सही हुआ।